इस शो का नाम है प्रेम की कहानी प्रेम की जुबानी। झगड़ा भी हो रहा है लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चल रहा है कि झगड़ा कैसे हो रहा है। आ जाए ना, मेरा बॉयफ्रेंड आया हुआ है। तेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो सफेद छत पे सामने बैठा है। ये लोग डांस कर रहे हैं, वहाँ ये बातें चल रही थी आपस में। तो दोस्तों, शो पसंद आया हो प्रेम की कहानी प्रेम की जुबानी, लाले की जान रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। इज्जतें मोहब्बतें शोहरतें उल्फतें दौलतें, इस दुनिया में कुछ भी तो रहता नहीं। इज्जतें मोहब्बतें शोहरतें उल्फतें दौलतें, इस दुनिया में कुछ भी तो रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। तो दोस्तों, आज राजेश खन्ना जी के याद में मेरे को जितने डायलॉग्स आते थे उतने डायलॉग्स मैंने सुना दिए। राजेश खन्ना जी यानी कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के काका, राजेश खन्ना जी के सभी बहुत बड़े फैंस रहे हैं, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं। और राजेश खन्ना जी की याद हमारे दिलों दिमाग में आज भी ताजा है, ताजा थी, ताजा रहेगी, क्योंकि राजेश खन्ना एक वो शख्सियत थे जो भी फिल्म उनकी आती थी सुपर डुपर हिट, गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली हो जाती थी उनकी एक अदाएं। और लड़कियां तो उनपे इतनी मरती थी ये तो बताने की जरूरत नहीं है। आपने काफी सारे इंटरव्यूज में देखा होगा कि उनकी व्हाइट कार लड़कियों के किस से किस कार यानी कि किस्सा बन गया कि वो लाल हो जाती थी। मैंने राजेश खन्ना जी की काफी सारी फिल्में देखी है जिसमें से एक अमर प्रेम मुझे बहुत अच्छी लगती है, दुश्मन, कटी पतंग, जवाब नहीं कटी पतंग का। तो 1984 में जब मैंने होश संभाला तो मैं रिकॉर्ड डांस पार्टी करता था, उल्लासनगर में रहता था। और 1984 में मैं सबसे पहले एक रिकॉर्ड डांस पार्टी से जुड़ा जिसका नाम था नीलकमल, जिसके ऑर्गेनाइजर थे राजन चक्रवर्ती। उसमें हमारे एक राजेश खन्ना थे, काका का जो रोल करते थे वो थे गोकुल उनका नाम था। काफी अच्छा राजेश खन्ना जी की एक्टिंग करते थे, इधर आ भी जा इस गाने पे डांस करते थे, ये जो मोहब्बत है इस गाने पे डांस करते थे। और उसके बाद मैं एक पार्टी में जुड़ा, त्रिमूर्ति एंड पार्टी, उसमें एक राजेश खन्ना थे जिनका नाम था मुन्ना, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और एक राजेश खन्ना थे प्रेम खन्ना, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो इतने फैंस थे राजेश खन्ना जी के और वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे, मैं उन्हें देखता था और देख देख के बड़ा हुआ। फिर मैं बताऊं आपको कि एक नट सम्राट पार्टी थी, उसमें मेरे एक उस्ताद थे बाबू भाई बाटली वाला, जो दादा कौंडी का डांस भी करते थे, मिमिक्री करते थे, स्टैंड अप कॉमेडियन थे और अच्छे एक्टर भी थे। तो मैं उनके पीछे घूमता था, सर मुझे कुछ काम दिलवाइए ना आपके नट सम्राट पार्टी में। तो उन्होंने एक शर्त रखी, बोला देखो जितने भी राजेश खन्ना है, जैसे मैंने अभी नाम लिया गोकुल राजेश खन्ना, मुन्ना राजेश खन्ना, प्रेम राजेश खन्ना और भी वगैरह वगैरह, ये सब इतने बिजी हो गए थे जैसे काका बिजी थे वैसे ये भी बिजी हो गए थे, और इनको भी इतनी पेमेंट मिलती थी रिकॉर्ड डांस पार्टी में। उस वक्त आदमी महीने का 300-400 रुपया कमाता था यानी कि मैं, और उनको एक एक दिन का 700-800 हजार रुपया मिलता था, इतने बिजी हो गए। अब बात हुई यूं कि हमें खोपोली जाना था 15 शो करने के लिए, वहां 15 दिन का टूर था यानी कि जैसे यात्रा होती है ना, तो खोपोली में हर साल एक यात्रा लगती है, बोमबिल विठोबा भगवान है उनकी एक यात्रा लगती है खोपोली में। तो मुझे जो बाबू भाई बाटली वाला मेरा जो उस्ताद था उसने कहा एक शर्त पे तुझे मैं ले चलूंगा, तो मुझे बोला बस तुम ढूंढ के लाओ और 100 रुपया पेमेंट रहेगी, हम 700-800 रुपया रोज का नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये 15 शो होलसेल में करने हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं कास्टिंग करने लग गया राजेश खन्ना की यानी कि लुक लाइक राजेश खन्ना की, तो कभी यहां देखूं हर किसी में मुझे लगे कि इसमें राजेश खन्ना तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है इसमें राजेश खन्ना जी तो नहीं लग रहे, नहीं लग रहे यार इसमें तो नहीं लग रहा है यार, नहीं नहीं यार इसकी बॉडी रिदम नहीं है, इसकी आंखें थोड़ी ऐसी है, एक को तो मैंने ये भी बोल दिया थोड़ा आप चश्मा पहन के दिखाएंगे। उसने बोला क्या काय को चश्मा पहन के दिखाऊं, कौन हो तुम? मैं बोला अरे यार क्या करूं ये क्या काम दे दिया मुझे, लेकिन मुझे भी शौक था काम करने का और मैं काम करते आ ही रहा था। उन दिनों में मैं
जीतू साहब का डांस करता था और संजय दत्त जी का डांस करता था, यानी कि बाबा का। अब मुझे एक जवाबदारी दे दी गई कि आपको राजेश खन्ना का लुक लाइक ढूंढ के लाना है, तो ही आप खोपोली चलोगे। एक दिन बोलते हैं ना, ढूंढने वाले को तो भगवान भी मिल जाता है, तो ये तो राजेश खन्ना जी काका जी। एक टेलर की दुकान थी, वहां मैंने देखा एक चेयर पे एक लड़का गर्मियों के दिनों में फुल कोट थ्री पीस शूज पहन के और चश्मा लगा के रफू कर रहा था, और रफू भी कैसे कर रहा था, काका जी के स्टाइल में। मैं देखता रह गया, मैंने कहा हो ना हो, इसके अंदर राजेश खन्ना जी की आत्मा बसी हुई है कहीं ना कहीं। मैं थोड़ा उसके आगे गया, मैं बात करने जाऊं उससे पहले एक लेडी आ गई, बोला अरे सुनो ये थोड़ा शर्ट फट गया है, इसका एडफू का कितना पैसा लेगा। उसने राजेश खन्ना जी की स्टाइल बोला, देखा 12 रुपया लगेगा, अरे 6 रुपए में करके दो ना। उसने जो शर्ट फेंका एटीट्यूड, अरे उठाओ ये शर्ट, आइंदा ये 5 और 6 रुपए की बात हमसे मत करना। मैं समझ गया कि फुल राजेश खन्ना की आत्मा इसके अंदर है। मैं भी हिम्मत करके आगे गया, बोला सुनिए आपका नाम क्या है। पहले तो उसने लुक दिया मुझे, अरे बोला भाई सुनो मैं तुम्हें चांस दे सकता हूं, आपका नाम क्या है। हमारा नाम किशन है। मैं बोला वाह वाह वाह, अवतार फिल्म आपने ज्यादा देखी है, इसके लिए अवतार का किशन आपके अंदर घुस गया है, यानी कि किशन अवतार। मैं बोला देखो भाई हम लोग जा रहे हैं 15 दिन शो करने, एक मेला है वहां, एक यात्रा लगती है, बोम्बल विठोबा भगवान का नाम है और खोपोली में उसकी यात्रा 15 दिन लगती है, उसमें मौत का कुआं आता है, फिल्में दिखाई जाती है, रिंग्स फेंकी जाती है, फोटो खींचे जाते हैं, तमाशा दिखाया जाता है, उसमें एक हमारा भी तंबू लगेगा, अगर आप चलो तो आपको हम 100 रुपया रोज देंगे, उसके ऊपर हम नहीं दे सकते। वैसे तो मैं बहुत पैसे लेता हूं, चलो आपने पहला ब्रेक दे रहे हो मुझे, तो आपके लिए तो मैं 100 रुपये में भी आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, शो देखो चालू होगा शाम को 7 बजे और खत्म होगा रात को 1 बजे, फिर दिन भर आराम है, ये मैंने उसको बोल दिया। अब हम लोग जनाब वहां शो में पहुंचे, पूरी टीम हमारी पहुंची, तो वो जो किशन था राजेश खन्ना का लुके लाइक जो रफू करता था वो रिहर्सल पे नहीं आता था। अब डांट मुझे ही पड़ती थी क्योंकि कास्टिंग मैंने की थी जिंदगी में पहली बार। मुझे बोलते थे यार कहां से तुम पकड़ के ला यार, यार रिहर्सल करनी पड़ती है, मीटिंग करनी पड़ती है कि शाम को 7 बजे शो शुरू होगा, पहला गाना कौन करेगा, सेकंड गाना कौन करेगा, आज कौन सा, वो तुम्हारा बंदा आता ही नहीं है। मैं बोला हाँ यार पता नहीं, देखता हूं मैं कल। वो सुबह 9 बजे भाग जाता था और शाम को 7 बजे आ जाता था बराबर, वो 7 बजे आता था अपना काम पूरा करता था वो। लेकिन मैं एक दिन फिर मंदिर गया, मैं बोला चलो आज मैं दर्शन करने जा रहा हूँ बोम्बल विठोबा जो भगवान है वहां के। मैं दर्शन करने गया तो मेरी नजर पड़ी एक टेबल लगा हुआ है और वहां वो भी रफू चक्कर होके वहां रफू करता था, क्योंकि मेले में किसकी पैंट फट जाए, किसी के शर्ट, किसी को बीड़ी का चटका लग जाए, तो वहां सब यात्रा में आते थे और भी कलाकार आते थे, तो है ना वहां छुपके से वहां भी अपना धंधा करता था, क्योंकि आखिर वो राजेश खन्ना का लुक लाइक था तो मेहनती तो होगा ही, तो वहां भी वो शुरू हो जाता था। तो मैंने देखा अरे इधर ये क्या कर रहा है भाई, तेरे को मैं स्टार बना के लाया हूं, सुपर स्टार बना के लाया हूं और तुम एक राजेश खन्ना जी के लुक लाइक हो, ये क्या यार रफू करते हो। तो उसने मुझे खरीद लिया। अरे बोले मैं तो यहां भी कमा लेता हूं, तुम 100 रुपया देते हो ना, यहां मैं रफू करके रोज के 200 रुपया कमा लेता हूं। एक काम करो किसी को बताना मत, एक क्वार्टर तुम्हें मिल जाएगा लाले की जान मेरी तरफ से। मैं बोला ठीक है भाई मुझे भी पीने का शौक। मैं बोला ओके। मैं बोला यार थोड़ा 6 बजे आया कर कभी कभी, अगर ज्यादा बात की तो यहां से रफू चक्कर हो जाऊंगा और जाके फिर उल्लासनगर में रफू करूंगा। अरे 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 मेरे भाई भाई भाई, एक बार क्या हुआ, वो राजेश खन्ना जी के जो लुक लाइक है
वो डांस कर रहे थे और जो डांसर थी बाजू में, और मैं एक दिन लाइटिंग पे बैठ गया, लाइट मैन की तबीयत खराब हो गई, मुझसे कहा आप लाइटिंग कर लोगे? हाँ हाँ, बोला मैं ऑलराउंडर हूँ, लाइटिंग करूंगा। अब मैं देख रहा हूँ, लाइटिंग भी कर रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ, वो डांसर उसे हाथ लगाने नहीं दे रही थी, वो यहाँ वहां भाग रही थी, तो वो क्या बोल रही थी, लेकिन हम सबको लग रहा था कि मूवमेंट हो रहे हैं। देखिए पहले के आर्टिस्ट कितने चालाक और होशियार थे, सामने वाले को पता नहीं चलने देंगे कि क्या हो रहा है, झगड़ा भी हो रहा है लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चल रहा है कि झगड़ा कैसे हो रहा है। वो बोल रही है आज मुझे हाथ मत लगाना, तो पूछ रहा है एक्टिंग में क्यों, तो बोलती है आज है ना मेरा बॉयफ्रेंड आया हुआ है, तो बोलता है तेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तो बोलती वो देख वो सफेद शर्ट पे सामने बैठा है, तो ये अरे इतना खूबसूरत नहीं है, इससे ज्यादा तो मैं खूबसूरत हूं, और हमें लग रहा है कि ये लोग डांस कर रहे हैं, वहां ये बातें चल रही थी आपस में। तो ये किस्सा मेरे साथ हुआ, फिर अगली बार आऊंगा तो फिर किसी अगले आर्टिस्ट का किस्सा सुनाऊंगा। अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया हो, प्रेम की कहानी प्रेम की जुबानी, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लाले के जान रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा।